हम बातें कर रहे हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अमिताभ बच्चन, दी बिग बी, आज वो हिंदुस्तान के एक बेहतरीन एक्टर, एक दिग्गज अभिनेता हैं। उन्होंने बहुत सारी लैंडमार्क फिल्में की हैं, दीवार, जंजीर, ब्लैक, शोले, बहुत सारी फिल्में। लेकिन उन्हें इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफी कश्मकश करनी पड़ी, काफी संघर्ष करना पड़ा। जब वो पहली बार मुंबई आए और प्रोड्यूसर्स से मिले काम के लिए, तब उन्हें खास अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला। जब अमिताभ बच्चन अपने शुरुआती स्ट्रगलिंग के दिनों में एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर से मिले, एक जाने माने प्रोड्यूसर से मिले, पहली बार तो वो प्रोड्यूसर अमिताभ बच्चन से 4-5 घंटे मिले ही नहीं। अमिताभ बच्चन बाहर बैठे रहे, उनके ऑफिस के बाहर, करीबन 4-5 घंटे। जब उस प्रोड्यूसर ने उनसे मिलना कबूल किया और जब वो उनसे मिले, तब प्रोड्यूसर ने अमिताभ बच्चन की तरफ एकटक देखा, घूर कर देखा और फिर कहा कि तुम इतने लंबे हो, घोड़े की तरह लंबे हो, तुम्हारा चेहरा भी घोड़े की तरह है, तुम एक्टर नहीं बन सकते, तुम यहां बॉम्बे क्या करने आए हो, तुम जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ, कोई नौकरी वोकरी कर लो। ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन वहां से उठे, प्रोड्यूसर को नमस्कार किया और फिर वहां से चले गए। दिल में थोड़ी देर के लिए उनकी निराशा जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे बारे में ये उस प्रोड्यूसर का नजरिया है, मेरा नहीं। और फिर उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा। अमिताभ बच्चन, बिग बी, बातें और भी, ये बातें और ये दिल से, आपके दिल की गहराइयों से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर ने अमिताभ बच्चन को अमिताभ बच्चन से कहा कि वो वापस अपने शहर चले जाएं और वहां पे कोई नौकरी वोकरी कर लें, क्योंकि वो एक्टर बनने के काबिल नहीं है, उनकी शक्ल घोड़े की तरह है, वो बहुत ज्यादा लंबे हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन निराश नहीं हुए। एक दिन वो मशहूर लेखक और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के अब्बास से मिले। के अब्बास से उन्होंने कहा कि वो उनकी फिल्म में काम चाहते हैं। तब अब्बास साहब ने उनसे पूछा कि अब तक और प्रोड्यूसर से मिले हो कि नहीं। तब अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो कुछ प्रोड्यूसर से मिले और उनमें से एक ने कहा कि उन्हें वापस अपने शहर जाना चाहिए, क्योंकि वो एक घोड़े की तरह हैं, बहुत लंबे हैं, वो एक्टर नहीं बन सकते। के अब्बास ने अमिताभ बच्चन की यह बात सुनी, सोचा, मुस्कुराए। तब अमिताभ बच्चन ने उनसे पूछा कि क्या आप भी मुझे काम नहीं देंगे, क्योंकि मैं बहुत लंबा हूं, मेरी शक्ल घोड़े की तरह है। तब के अब्बास ने उनकी तरफ देखा, उनके हाथ पे हाथ रखा और कहा कि मैं ऐसे नहीं सोचता, मैं नहीं समझता कि तुम्हारा कद या तुम्हारी शक्ल तुम्हें एक्टर बनने से रोक सकती है। तुम्हारी शख्सियत बहुत अच्छी है, तुम्हारा चेहरा बहुत एक्सप्रेसिव है, तुम एक्टर यकीनन बन सकते हो। और तब के अब्बास साहब ने अमिताभ बच्चन से कहा कि तुम मेरी फिल्म में काम करोगे, साथ हिंदुस्तानी में। तब अमिताभ बच्चन को कुछ देर के लिए विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। उन्होंने अब्बास साहब से पूछा कि अब्बास साहब, क्या आप मुझे सचमुच अपनी फिल्म में, क्या आप मुझे सचमुच अपनी फिल्म में ले रहे हैं? अब्बास साहब ने उन्हें यकीन दिलाया। बाद में यह फिल्म शूट हुई और रिलीज हुई और अमिताभ बच्चन के काम की काफी तारीफ हुई। अमिताभ बच्चन, दी बिग बी, बातें और भी, ये बातें हो रही हैं दिल से, तहे दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के स्ट्रगलिंग दिनों के दौरान
उन्हें जीनियस महमूद ने काफी मदद की, उन्हें कहा कि वो उनके साथ उनके घर में रहें। कई प्रोड्यूसर्स से उन्हें इंट्रोड्यूस किया। तभी उन्हें एक फिल्म मिली परवाना, जिसके हीरो थे नवीन निश्चल। परवाना में उन्हें एक विलन का रोल मिला। इस फिल्म के डायरेक्टर थे महेश कौल। यह फिल्म थी एनएन सिप्पी की। अमिताभ बच्चन का इस फिल्म में किरदार एक विलन का था। उनके काम की काफी तारीफ हुई, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। अमिताभ बच्चन की शुरुआती कई फिल्में फ्लॉप होती गईं, बॉक्स ऑफिस पे नहीं चल पाई। उन्होंने अपना स्ट्रगल जारी रखा, प्रोड्यूसर्स से मिलते रहे। जीनियस महमूद उन्हें जहां मुमकिन वहां इंट्रोड्यूस करते, उन्हें काम दिलाने की कोशिश करते। जब महमूद साहब अपनी फिल्म बॉम्बे टू गोवा बना रहे थे, तब उन्होंने अमिताभ बच्चन को इस फिल्म का लीड रोल दिया। और जब यह फिल्म लगी, अमिताभ बच्चन के काम को बहुत सराहा गया, उनकी काफी तारीफ हुई। इसी फिल्म के एक फाइट सीक्वेंस को देखकर सलीम और जावेद इनको लगा कि इस लड़के में दम है, और फिर उन्होंने अमिताभ बच्चन का नाम रेकमेंड किया अपनी कई फिल्मों के लिए। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अक्सर कहा जाता है कि जब अमिताभ बच्चन मुंबई आए तो अपने साथ मिसेज इंदिरा गांधी का रिकमेंडेशन लेटर भी ले आए। लेकिन के अब्बास ने एक बार कहा था कि मिसेज गांधी ने ऐसा कोई खत अमिताभ बच्चन को नहीं दिया था, और न ही अमिताभ बच्चन ने ऐसे किसी खत की उनसे मांग की थी। लेकिन एक बात जरूर है कि बच्चन परिवार का गांधी परिवार से बहुत करीबी रिश्ता था। अमिताभ बच्चन की मां तेजी बच्चन पश्चिमी माहौल में पली बढ़ी थी, और उनकी परवरिश वेस्टर्न कल्चर के मुताबिक हुई थी। वो एक बहुत ही अमीर खानदान की बेटी थी, और अमिताभ बच्चन के पिताजी महान कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े कवि, लेकिन मध्यम वर्ग से यानी मिडिल क्लास से थे। तेजी बच्चन की डॉक्टर हरिवंश राय से मुलाकात हुई एक दोस्त के जरिए। इससे पहले उनकी पहली बीवी का निधन हो चुका था। तेजी बच्चन और हरिवंश राय ने बाद में शादी कर ली, और उनके गांधी परिवार से बहुत करीबी संबंध थे। लेकिन अमिताभ बच्चन अपने साथ मिसेस इंदिरा गांधी का कोई खत नहीं लाए थे, ये कहा था एक बार के अब्बास साहब ने। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब अमिताभ बच्चन के अब्बास साहब से मिले, तो अब्बास साहब ने उन्हें अपनी फिल्म सात हिंदुस्तानी में फौरन साइन कर लिया। आगे उनका करियर कैसे बढ़ा आप सभी जानते हैं, उन पे बातें और भी। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के करियर की कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं ऋषिकेश मुखर्जी की आनंद, प्रकाश मेहरा की जंजीर, यश चोपड़ा की दीवार, रमेश सिप्पी की शोले, और बहुत सारी फिल्में। लेकिन जिस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया, वो फिल्म थी प्रकाश मेहरा की जंजीर। आप सभी जानते होंगे, आपने कई बार सुना है कि फिल्म जंजीर अमिताभ बच्चन को बाय डिफॉल्ट मिली, इत्तेफाक से मिली। सलीम जावेद ने इस फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा था, और प्रकाश मेहरा ने यह स्क्रिप्ट उनसे ले लिया था, और वे और प्रकाश मेहरा यह फिल्म बनाना चाहते थे, और प्रकाश मेहरा इस फिल्म के लिए एक हीरो की तलाश में थे। तब वो कई एक्टर्स से मिले, बड़े बड़े स्टार्स से मिले। प्राण साहब ने उन्हें देवानंद से मिलाया। और दरअसल प्रकाश मेहरा के साथ इस कहानी के पार्टनर थे और दरअसल प्रकाश मेहरा के साथ इस कहानी में पार्टनर थे धर्मेंद्र, लेकिन वो भी बिजी थे, वो भी उन्हें इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे थे। उसके बाद राजकुमार को ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो चेन्नई में कुछ शूटिंग कर रहे थे और वो मुंबई नहीं आ पा रहे थे।
इस वजह से वो ये फिल्म एक्सेप्ट नहीं कर पाए। अब किसे साइन करें? प्रकाश मेहरा के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने अमिताभ बच्चन को कैसे साइन किया? ये बात है और ये दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, प्रकाश मेहरा अपनी फिल्म जंजीर के लिए एक हीरो की तलाश में थे। देवानंद को यह स्क्रिप्ट अच्छी लगी, लेकिन वो इस स्क्रिप्ट में कुछ गाने चाहते थे जो मुमकिन नहीं थे। प्रकाश मेहरा चाहते थे कि वो फिल्म वैसे ही बने जैसे सलीम जावेद ने लिखी है। उसके बाद धर्मेंद्र, जो इस स्क्रिप्ट में प्रकाश मेहरा के साथ पार्टनर थे, वो भी इस फिल्म के लिए डेट्स नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि वो किसी और हीरो को लेकर ये फिल्म बना लें। प्रकाश मेहरा राजकुमार से मिले। राजकुमार को ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो चेन्नई में, मद्रास में किसी फिल्म का शूटिंग कर रहे थे और वो बॉम्बे नहीं आ पा रहे थे। इस वजह से वो भी ये फिल्म एक्सेप्ट नहीं कर पाए। प्राण साहब के बेटे ने प्राण साहब से कहा कि एक एक्टर है, उनके दोस्त का भाई, अजिताभ का भाई, जो इस रोल के लिए सही साबित हो सकता है। तब प्राण साहब ने प्रकाश मेहरा से कहा कि वो अमिताभ बच्चन की फिल्म बॉम्बे टू गोवा देखें, शायद उन्हें उनकी पसंद का हीरो जंजीर के लिए मिल जाए। और फिर जावेद अख्तर और प्रकाश मेहरा बॉम्बे टू गोवा देखने गए। प्रकाश मेहरा और जावेद अख्तर ने जब अमिताभ बच्चन का वो फाइट सीक्वेंस देखा फिल्म बॉम्बे टू गोवा में, तो वो खुशी से झूम उठे और चिल्लाए, हमें अपना हीरो मिल गया। और फिर वो थिएटर से चले आए। इस तरह उन्होंने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के लिए साइन किया। उसके बाद क्या हुआ, आप सभी उस इतिहास से वाकिफ हैं। जंजीर ने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया। ये बातें हो रही हैं दिल से, आपके दिल की गहराइयों से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, जब रमेश सिप्पी फिल्म शोले के लिए कास्टिंग कर रहे थे, तब जय के रोल के लिए पहले उनके दिमाग में आए थे शत्रुघ्न सिन्हा, और उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा से बात भी की, उनसे कहा कि ये स्क्रिप्ट है, ये कहानी है, और वो चाहते हैं कि जय का किरदार वो निभाएं। लेकिन उस समय शत्रुघ्न सिन्हा बहुत बिजी थे, बहुत बड़े स्टार बन चुके थे, और उन्हें इस किरदार में, इस स्क्रिप्ट में ऐसी कोई खास बात नजर नहीं आई कि वो ये फिल्म साइन करें। उन्होंने रमेश सिप्पी से कहा कि वो बहुत बिजी हैं, वो डेट्स नहीं दे पाएंगे और वो ये किरदार नहीं कर पाएंगे। उसके बाद अमिताभ बच्चन को साइन कर दिया गया जय के रोल के लिए। और फिर आप सभी जानते हैं कि शोले इतनी बड़ी हिट हुई, इस फिल्म का हर किरदार इतना पसंद किया गया कि शोले का हर किरदार अपने आप में इतिहास का पन्ना बन गया। फिल्म शोले हमारे जिंदगी का एक हिस्सा बन गई, उस पर बहुत सारी कहानियां बनी, बहुत सारे अफसाने बनाए गए, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री खड़ी हो गई शोले की कहानी पे। इस पे बहुत सारे किरदार बने और कई लोगों ने शोले के बेस पे अपना करियर खड़ा कर दिया। और अमिताभ बच्चन ने जय के किरदार को स्क्रिप्ट के हिसाब से हूबहू प्ले किया कि वो आपके दिल को छू जाता है। इस फिल्म के किरदार, इस फिल्म के डायलॉग्स, इस फिल्म के सीन्स बहुत ही लाजवाब। अमिताभ बच्चन पे बातें और भी। दिस इज योर फेवरेट, दिल से ही, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के स्ट्रगलिंग दिनों में एक प्रोड्यूसर ने उनसे कहा कि वो वापस अपने शहर चले जाएं और वहां पे कोई नौकरी वोकरी कर लें, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। लेकिन उसके बाद अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए और उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक महान अभिनेता है। वक्त ने करवट ली, समय बदला, और उसी प्रोड्यूसर ने अमिताभ बच्चन को कांटेक्ट किया कि वो उनकी एक फिल्म में काम करे एज अ हीरो। और अमिताभ बच्चन ने पहली सारी बातें भुलाकर उनकी फिल्म में काम किया। वो प्रोड्यूसर थे ताराचंद बरजातिया, और जो फिल्म अमिताभ बच्चन ने उनके लिए की, उस फिल्म का नाम था सौदागर।
इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ थीं। टैलेंटेड, वर्सटाइल, बहुत ही खूबसूरत, नूतन। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का मानना है कि जब उन्हें कहा गया कि वो वापस अपने शहर चले जाएं, वो एक्टर नहीं बन सकते, वो समय अलग था, उस समय उस प्रोड्यूसर का नजरिया जो भी हो, उन्होंने एक्सप्रेस कर दिया, अमिताभ बच्चन ने उस बात को भुला दिया और जब उन्हें उन्हीं के साथ काम करने का मौका मिला तो उनके साथ काम किया, क्योंकि उनका इस बात पे यकीन है कि आप पुरानी बातों को दिल में रखकर जी नहीं सकते। जिंदगी में आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, तो आपको अपना भूतकाल पीछे रखना चाहिए, वर्तमान में रहना चाहिए, ताकि आपका भविष्य और भी ज्यादा खूबसूरत हो। उन्होंने उस प्रोड्यूसर की बातें भुला दी, उनकी फिल्म में काम किया और फिर वो फिल्म बहुत सराही गई। अमिताभ बच्चन पे बातें बहुत सारी। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अगर आप अमिताभ बच्चन से पूछें कि उनके करियर का सबसे डिफिकल्ट, सबसे मुश्किल और चैलेंजिंग रोल कौन सा है, तो वो सोच में पड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लाजवाब फिल्में की हैं। जंजीर, आनंद, शोले, दीवार, मिली, बहुत सारी फिल्में, चुपके चुपके, ब्लैक। जब अमिताभ बच्चन से ये पूछा जाता है तो वो सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनका सबसे चैलेंजिंग या सबसे बेहतरीन रोल कौन सा है, लेकिन फिर भी वो ये मानते हैं कि अगर उन्हें सवाल का जवाब देना ही पड़े तो वो अपनी फिल्म ब्लैक के कैरेक्टर को सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मानते हैं। उनका मानना है कि ब्लैक के किरदार पे उन्हें काफी काम करना पड़ा, उस किरदार को समझने के लिए उन्हें काफी रीडिंग करनी पड़ी, पढ़ना पड़ा, काफी रेफरेंसेस देखने पड़े, और इस फिल्म के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने भी उन्हें काफी गाइड किया और अपना नजरिया उनके सामने क्लियरली पेश किया। इस वजह से वो ब्लैक के किरदार को इतनी अच्छी तरह निभा पाए। दोस्तों, किसी भी एक्टर के लिए ये कहना कि उनका सबसे बेहतरीन या सबसे चैलेंजिंग रोल कौन सा है, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अमिताभ बच्चन मानते हैं कि उनकी लैंडमार्क फिल्में बहुत सारी हैं। जंजीर, दीवार, शोले, मिली, आनंद, ब्लैक, ये कुछ लैंडमार्क फिल्में हैं अमिताभ बच्चन की, और भी बहुत सारी हैं। दोस्तों, आपकी राय में अमिताभ बच्चन की सबसे खूबसूरत फिल्म कौन सी है? हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आजकल अक्सर मीडिया में और हर जगह हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड इस नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारे फिल्म मेकर्स और बहुत सारे लोग ये नाम पसंद नहीं करते? अमिताभ बच्चन इस बात से बिल्कुल असहमत हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड इस नाम से पुकारा जाए, जाना जाए या इसे इस तरह एड्रेस किया जाए। वो मानते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपने आप में एक अलग इंस्टीट्यूशन है और इसे हॉलीवुड से लेकर, हॉलीवुड के नाम को लेकर बॉलीवुड कहना, क्योंकि ये बॉम्बे की इंडस्ट्री है, अमिताभ बच्चन के ख्याल से बिल्कुल गलत है। दोस्तों, अमिताभ बच्चन के साथ शाहरुख खान, देव आनंद, नसीरुद्दीन शाह ऐसे कई एक्टर्स ने इस बात पे अपनी राय एक्सप्रेस की है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड नहीं कहना चाहिए, लेकिन अब ये बात अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह और इन सभी के हाथों से दूर जा चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब बॉलीवुड ये आम लफ्ज बन गया है, मीडिया इसे खास तौर पे और आम तौर पे इस्तेमाल करता है, और अमिताभ बच्चन मानते हैं कि कई बार ऐसे लफ्ज आम इस्तेमाल में आ जाते हैं और फिर कोई कुछ नहीं कर पाता, यहां तक कि बॉलीवुड अब ऑक्सफर्ड इंग्लिश लैंग्वेज डिक्शनरी में भी इंक्लूड कर दिया गया है।
तो अमिताभ बच्चन इस बात से बिल्कुल परेशान हो जाते हैं कि कभी कभी एक गलत शब्द भी इस तरह डिक्शनरी में आ जाए और लोग इसे इस्तेमाल करें, मीडिया इसे इस्तेमाल करे, तो उसे हम और आप कुछ नहीं कर सकते, उसे चेंज नहीं कर सकते। अमिताभ बच्चन पे बातें और भी, हम बातें कर रहे हैं दिल से। मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अमिताभ बच्चन मानते हैं कि फिल्म मेकिंग में बहुत बड़ी तब्दीलियां आई हैं, बहुत बड़े चेंजेस आए हैं। उनका मानना है कि टेक्नोलॉजी में बहुत सारा फर्क आ गया है। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने सिनेमा में भी, फिल्म मेकिंग में भी बहुत सारे बदलाव लाए हैं। आज की जनरेशन बहुत तेज सोचती है, बहुत फास्ट सोचती है और अलग ढंग से सोचती है। इस वजह से फिल्में भी अलग ढंग से बनती हैं। और अमिताभ बच्चन इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इंसान को समय के साथ बदलना चाहिए और अपनी सोच को समय के साथ ढालना चाहिए। हाँ, वैल्यूज बहुत स्ट्रांग हो, जो भी सोच हो वैल्यू बेस्ड हो, लेकिन आज इंटरनेट, मोबाइल, इन माध्यमों की वजह से हमारी सोच में भी बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आज के जनरेशन के लोग, फिल्म मेकर्स, बहुत तेज सोचते हैं क्योंकि हर चीज फास्ट हो गई है। हम एसएमएस कहीं सेकंडों में भेज सकते हैं, हम इंटरनेट किसी भी देश के बारे में, किसी भी चीज के बारे में इंटरनेट से मालूमात हासिल कर सकते हैं। हम सब कुछ बहुत तेजी से कर सकते हैं। इस वजह से फिल्मों में चेंज आना, लोगों की सोच में चेंज आना एक बहुत ही नेचुरल इवॉल्विंग प्रोसेस है, ये मानना है अमिताभ बच्चन का। दोस्तों, अमिताभ बच्चन मानते हैं कि पहले शब्द को, लफ्ज को बहुत अहमियत हुआ करती थी। पहली फिल्मों के गाने, पहली फिल्मों के डायलॉग्स अलग हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त की सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस अलग थी, आज की अलग है। और इस वजह से आज जो बदलाव नजर आते हैं फिल्मों में, वो जमाने के साथ बदलाव चलते हैं। अमिताभ बच्चन वक्त के साथ चलना पसंद करते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, फिल्म जंजीर और दीवार ने अमिताभ बच्चन को इमेज दिया एंग्री यंग मैन का, और वो मानते हैं कि एंग्री यंग मैन ये उस समय की मांग थी, जरूरत थी। सलीम जावेद ने जब जंजीर लिखा, दीवार लिखा, वो दौर ऐसा था जब नौजवानों में फ्रस्ट्रेशन था, निराशा थी, और वो सिस्टम से कुछ हासिल नहीं कर पा रहे थे। अगर उन्हें कुछ करना होता, अगर वो कुछ करना चाहते तो भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि उस समय सिस्टम इतना मुश्किल था कि वो कुछ कर नहीं पाते थे। इस वजह से नौजवानों के दिल में, लोगों के दिल में एक गुस्सा भर गया था, और लोगों के इस गुस्से को, नौजवानों के इस गुस्से को सलीम जावेद ने, प्रकाश मेहरा ने और यश चोपड़ा ने अपने फिल्मों के जरिए एक्सप्रेस किया, और अमिताभ बच्चन ने उस एंग्री यंग मैन के किरदार को स्क्रीन पे पेश किया उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ कि लोगों ने उनके किरदार के साथ आइडेंटिफाई किया और वो उन्हें अपना एक मानने लगे, और इस वजह से उनका वो किरदार द एंग्री यंग मैन बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत सराहा गया और इसे अपनाया भी गया। लेकिन अगर इस जमाने में 2010 में कोई एक्टर एंग्री यंग मैन को प्ले करे तो क्या होगा? इस पे अमिताभ बच्चन क्या कहते हैं? दिस इज दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, 70s में जब अमिताभ बच्चन ने जंजीर और दीवार में और बहुत सारी फिल्मों में एंग्री यंग मैन प्ले किया, तो वो उस दौर की, उस समय की मांग थी। लेकिन अब अगर कोई एक्टर एंग्री यंग मैन प्ले करे तो क्या होगा? इस बात पे अमिताभ बच्चन कहते हैं कि अगर कोई एक्टर एंग्री यंग मैन प्ले करेगा तो
बहुत फनी लगेगा, उसे सीरियसली नहीं लिया जाएगा, अजीब सा लगेगा और लोग उससे पूछेंगे क्यों नाराज हो, जाओ छोड़ो अपना गुस्सा, किसी बीपीओ में काम करो, अच्छा खासा पैसा कमाओ, घर जाओ, क्यों लड़ रहे हो। अमिताभ बच्चन का मानना है कि अब समय बदल गया है, ट्रेंड्स बदल गए हैं और एंग्री यंग मैन का अब कोई रोल नहीं बचा, अब जरूरत है रोमांटिक फिल्मों की, कॉमेडी फिल्मों की या मेक बिलीव फिल्मों की, जैसे स्टार वॉर्स, हैरी पॉटर, फैंटेसीज की। अब अगर कोई एक्टर एंग्री यंग मैन प्ले करता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा और शायद फनी लगेगा। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, अमिताभ बच्चन का मानना है कि हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स हमारे माइथोलॉजीज को, हमारी पौराणिक कथाओं को बड़े ध्यान से स्टडी करते हैं। उनकी स्टार वॉर्स, उनके हैरी पॉटर्स बहुत पॉपुलर हैं और स्टीवन स्पीलबर्ग जैसे फिल्म मेकर्स भी हिंदुस्तान की पौराणिक कथाओं पे काफी कुछ रिसर्च करते हैं और ये माइथोलॉजीज, ये पौराणिक कथाएं, ये फैंटेसीज हमेशा पसंद की जाती हैं, ये एवरग्रीन कहानियां हैं। जब आप सुनते हैं या देखते हैं कि हनुमान पूरा पर्वत उठाकर ले गया, ऐसा बाण मारा तो आग लग गई, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, आपको अच्छा लगता है। माइथोलॉजीज, पौराणिक कथाएं, फैंटेसीज, ये हमेशा पॉपुलर रहेंगी, ये मानना है अमिताभ बच्चन का। और हॉलीवुड के फिल्म मेकर्स, यूरोप के फिल्म मेकर्स हमारे माइथोलॉजीज को गौर से स्टडी करते हैं, उन माइथोलॉजीज को अपने हिसाब से इंटरप्रेट करके अपने ढंग से फिल्में बनाते हैं। हमारे माइथोलॉजीज को वो अपना इंटरप्रिटेशन देकर फिल्में बनाते हैं, ये ऑब्जर्वेशन है महान अभिनेता अमिताभ बच्चन का। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, एक समय था जब अमिताभ बच्चन भी स्मोकिंग करते थे, सिगरेट पिया करते थे, कभी कभार शराब भी पिया करते थे और लोग कहते कि वो स्मोकिंग कभी छोड़ नहीं पाएंगे, शराब पीना कभी बंद नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने एक दिन तय किया, फैसला किया कि अब वो सिगरेट नहीं पिएंगे, शराब नहीं पिएंगे। और फिर उन्होंने शराब पीना छोड़ दी, सिगरेट को दोबारा कभी हाथ नहीं लगाया। इस बात को 35-40 साल हो चुके हैं। अमिताभ बच्चन मानते हैं कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं और अगर आपके इरादे पक्के हैं तो फिर आप चाहे जो हासिल कर सकते हैं। इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, जस्ट डू इट। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे करिए, क्योंकि आप कर सकते हैं। हम बातें कर रहे हैं दिल से, मैं आपका दोस्त, आपका अजीज सुशील। दोस्तों, आज अमिताभ बच्चन ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पे उन्होंने बहुत सारी कामयाबी देखी है, बहुत सारी नाकामयाबी भी देखी है। लेकिन कामयाबी हो या नाकामयाबी, उन्होंने हमेशा शांत रहकर अपनी कामयाबी को और नाकामयाबी को हैंडल किया है। अमिताभ बच्चन एक दिग्गज अभिनेता हैं, उनकी फिल्में लैंडमार्क फिल्में हैं, दीवार, जंजीर, शोले, मिली, अभिमान, ब्लैक और बहुत सारी फिल्में। लेकिन दोस्तों, मैं मानता हूं कि अमिताभ बच्चन का अर्थ इन फिल्मों से भी ऊपर है। अमिताभ बच्चन एक मिसाल है, एक महान उदाहरण है कि अगर इंसान चाहे तो अपनी जिंदगी में वो सब कुछ हासिल कर सकता है जिसका उसने सपना देखा है। अमिताभ बच्चन ने सपना देखा कि वो एक अभिनेता बनेंगे। उनके स्ट्रगलिंग के दिनों में उन्हें बहुत सारे बुरे अनुभव आए, उन्हें बेइज्जती का भी सामना करना पड़ा, उन्होंने ह्यूमिलिएशन देखा, फेस किया, लेकिन डगमगाए नहीं, हिम्मत नहीं हारी और फिर उन्होंने अपना मकसद हासिल कर लिया। वो एक स्टार बने, सुपरस्टार बने, मेगा स्टार बने और अब वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जिनसे कई पीढ़ियां इंस्पिरेशन ले सकती हैं, प्रेरणा ले सकती हैं। जैसे अमिताभ बच्चन मानते हैं, इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग, जस्ट डू इट। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो उसे करिए।
अगर आपके पास सपना है तो आप उस सपने को साकार भी कर सकते हैं। दोस्तों, तो इस महान अभिनेता अमिताभ बच्चन को आप आदर्श मानकर अपने जिंदगी में अपने सपनों को हासिल करिए और दिल की बात सुनिए। हमेशा अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल आखिर दिल है, दिल आपका आईना है। अपने दोस्त, अपने अजीज सुशील गजवानी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर।